देखिए, आज ये जो मीटिंग रखी गई थी हमारे आलमबाग थाना क्षेत्र के जो मस्जिद जो हमारे जितने भी मस्जिद हैं उनके इमाम साहब मौलाना और मुतवल्ली लोगों की, जो आगे आने वाला हमारा रमज़ान का मुबारक महीना है उसके संबंध में लोगों को जो आवश्यक दिशा निर्देश उच्चाधिकारियों से प्राप्त हुए वो सब इन लोगों को बताया गया है कि जो रमज़ान का मुबारक महीना स्टार्ट हो रहा है कल या परसों से जब भी पहला रोज़ा हो जाएगा तो सब लोग अपने अपने घरों में ही रहें, इबादत करें, रोज़ा घरों में ही रखें, अनावश्यक भीड़ भाड़ ना लगाएं और शहरी और अफ्तारी के टाइम भी अनावश्यक घरों से ना निकलें, एक दूसरे के अफ्तारी का लेन देन भी ना करें, बहुत ही सुरक्षित ढंग से इस रमज़ान को मनाएं, क्योंकि जो भी ये कोरोना है इसका वायरस फैलने के बहुत चांसेस हैं अगर ये लोग इस तरह से अफ्तारी का लेन देन ना करेंगे या एक दूसरे के घरों में जाएंगे। तो इन सब बातों को ही इन जो हमारे मस्जिद लोग हैं, इमाम साहब और मुतवल्ली वगैरह हैं, इनके माध्यम से हम चाहते हैं कि समाज में ये लोगों को जाके बताएं, मस्जिदों के माध्यम से लोगों को घरों में जाकर के और मोहल्लों में जाकर के कि लोग अपने घरों में ही इस महीने को अच्छे से मनाएं, वहीं पर रहें, घरों में नमाज पढ़ें, घरों में ही अफ्तारी करें, शहरी करें और सुरक्षित रहें। पुलिस की क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग जहाँ जहाँ भी इन लोगों की स्थिति है हम लोग वहाँ पर जाएंगे, ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, देखेंगे ताकि अगर कोई नहीं मानता इन लोगों की बातों को तो हम भी अपने ढंग से समझाएंगे और अभी से हम आज से इसको अनाउंस करना भी शुरू करेंगे अभी शाम को रात में मोहल्लों में भी कि जैसे ही पहला रोज़ा होता है तो लोग घरों में रह के इबादत करें और हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कोई लोग घरों से ना निकल के बहुत ही अच्छे ढंग से इस त्यौहार को मनाएं।